शहर के लालबाग कोऑर्डिनेशन सेंटर में नववर्ष मिलन समारोह आयोजन के दौरान बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने वर्ष 2022 की उपलब्धियां बताई। छत्तीसगढ़ शासन की विश्वास विकास सुरक्षा त्रिवेणी कार्य योजना के अनुरूप बस्तर क्षेत्र में तैनात छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं सशस्त्र सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन कार्य करते हुए नक्सल गतिविधियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आगामी दिनों में इस कार्य योजना को और बेहतर क्रियान्वयन करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को गति प्रदान करने हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाएगा। बस्तर पुलिस एवं संभाग में तैनात सुरक्षा बलों के लिए वर्ष 2022 काफी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक वर्ष रहा है, जिसमें नक्सली समस्या, कानून व्यवस्था की स्थिति एवं अपराधों की रोकथाम जैसी चुनौतियों को स्थानीय प्रशासन, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों एवं सर्व संबंधित की सहयोग से बस्तर पुलिस द्वारा संवेदनशीलता एवं धैर्य के साथ सामना करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहा है। आमतौर पर सड़क दुर्घटना को उसके ऊपर काबू करने के लिए इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट, ये ट्रिपल ई फार्मूला के हिसाब से काम की जाती है। जैसा सबसे ज़्यादा आवश्यकता है एजुकेशन में, क्योंकि प्रतिवर्ष सड़क में अधिक से अधिक वाहन, नया वाहन आते हैं और जैसे उसमें चालक लोग का जैसे सड़क नियम कानून के बारे में उनका समझाइश देना, उनका एजुकेट करना एक प्राथमिकता रहते हैं। साथ साथ जैसा जहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स है उसके अन्य विभाग के माध्यम से उसका ठीक करने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कार्रवाई की जाती है और एनफोर्समेंट जहाँ पर समझाइश के बावजूद भी यदि किसी ने नियम का पालन नहीं कर रहा है उसके कड़ाई से कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनके चलाने की कार्रवाई करने का एक एनफोर्समेंट कार्रवाई भी की जाती है। इन ट्रिपल ई फार्मूला के माध्यम से हम कोशिश करेगा आने वाले समय में जो सड़क दुर्घटना से होने वाले जनहानि और मालहानि का हम रोकने के लिए प्रयास करेगा। नशे के ऊपर सुरक्षा बलों के लिए कितना सफल रहा और माओवादी के लिए कितना घातक रहा? यदि नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष रहा। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ, उनके सबके शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहे हैं इसमें और भी कमी होनी चाहिए। हमारा जो जीरो कैशुअलिटी कॉन्सेप्ट है, हमारा किसी प्रकार के सुरक्षा बल के साथी का कोई नुकसान हो, साथ साथ जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं जो इस समस्या से विगत कई वर्षों से सामने कर रहे हैं उनका भी किसी प्रकार का जनहानि ना हो, उसी दृष्टि से हम आने वाले अभियान को हमारा रणनीति को तय करके रखेगा। और काफ़ी निर्णायक बढ़त भी हम इस अवधि में मिला है। 54 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप विगत 4 वर्षों में प्रारंभ किए गए थे, इसमें 18 कैंप वर्ष 2022 में प्रारंभ किए गए थे। सब अंदरूनी कोर इलाके में ये कैंप स्थापित किए थे। प्रत्येक हमारा कैंप अपने आप एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल, पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, PDSM, अन्य मूलभूत सुविधा से लाभान्वित की जा रही है और अंदरूनी इलाके में कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, जिससे क्षेत्र के बच्चे जो स्कूल आने जाने के लिए, जो बीमार अपना इलाज के लिए हॉस्पिटल, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय जाने के लिए और अन्य कई प्रकार के व्यापार के लिए भी ये सब रास्ते खुलते जा रहा है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से क्षेत्र की परिस्थिति बदल रहा है, आने वाला बहुत जल्दी इलाके में नक्सल समस्या का समाधान करते हुए क्षेत्र की जनता का मंशन अनुरूप हम आगे और विकास कार्य को गति प्रदान करते हुए बस्तर के एक सकारात्मक एवं नया पहचान दिलाने में हम सफल होगा। कॉन्फ्रेंस होते समय भी बताए थे विगत 4 वर्ष में 54 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। इन सब सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए सड़क, पुल, पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधा दी जा रही है और इन सब सुविधा को क्षेत्र की जनता द्वारा स्वीकार करके उनके जो आने वाले पीढ़ी के लिए, जो उनके लिए जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब तमाम सुविधाएं इस्तेमाल भी की जा रही है और सब इस बात से लेकर सहमत भी है। यदि समाज को आगे बढ़ना, क्षेत्र को आगे बढ़ना, हमको जो बेसिक मूलभूत सुविधा उस लाभ क्षेत्र के जनता को होना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति द्वारा जो नक्सल के जो प्रलोभन में आकर उनकी जो साजिश का शिकार होकर इस प्रकार के वातावरण निर्मित करने के लिए कोशिश की जाती, उनसे भी लगातार हमारा संवाद जारी है और उनका सही बात क्या, गलत बात क्या, उनके बारे में समझाइश भी दी जा रही है। और क्योंकि जैसे विगत 54 सुरक्षा कैंप स्थापित किए थे उसमें कुछ कैंप्स में पहले भी थोड़ा ग्रामीण का कुछ संकोच थे, किसी का कोई डाउट थे, उन सबको हम समाधान करते हुए आगे बढ़ा और हमारा सभी सुरक्षा कैंप क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, जैसा इस सब के लिए आप साक्षी भी हैं। जो विगत वर्ष में 2022 में 780 से अधिक किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकी, जो जिस इलाके में पहले हम लोग जाने तक जो
10 बार सोचना पड़ते हैं। उन इलाके में अभी बिजली पहुंच गई है, उसका फायदा पूरा क्षेत्र की जनता की प्राप्त हो रहा है। तब सड़क नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थे, तभी भी हम लोग क्षेत्र की रक्षा के लिए अभियान के माध्यम से जाते, तब सड़क बन रहा है, उसका सुविधा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। कुछ लोग की इससे तकलीफ है जो नक्सल संगठन का विशेष तौर पर उनके इस सब परिस्थिति में यह परिवर्तन होता है, उसमें तकलीफ है, इसलिए क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता नक्सल के जो असली इरादा है, ये एक विकास विरोधी जन विरोधी इरादा है, उसको देख ली जान ली पहचान ली, इसलिए नक्सल की साजिश में शिकार नहीं होगा, ये हमारा उम्मीद है और उसी दिशा में सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, इंद्रावती नदी के ऊपर विगत वर्ष में हम 4 ब्रिजेस का काम प्रारंभ की गई, उसमें चिंद्रा ब्रिज वर्ष 2022 में कंप्लीट होकर लोकार्पित हो गई है। वर्ष 2023 में बड़े करके का ब्रिज अभी लोकार्पण के लिए रेडी हो गए। इसके अलावा फुंडियम बड़े बेदरे में ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, आने वाला सीजन में उसको कंप्लीट होने का स्थिति में है। इन सब का फायदा जो दक्षिण अबुझमाड़ क्षेत्र के लोग हैं जो इंद्रावती नदी के उत्तर क्षेत्र में है, जो उनके लिए अपना ब्लॉक मुख्यालय जिला मुख्यालय तक आने के लिए, उनके जो क्षेत्र के यदि कोई व्यक्ति बीमार होते हैं उसका हॉस्पिटल तक आने के लिए सब सुविधा उपलब्ध हो रहा है। इसका क्षेत्र की जनता यदि चिंद्रा के ब्रिज की यदि बात करेगा, प्रतिदिन कम से कम सैकड़ों की जनता उस ब्रिज का सुविधा ले रहा है और बाजार के दिन उससे ज़्यादा हजारों की संख्या में लोग का आवक जावक उस ब्रिज के ऊपर हो रहा है। इससे प्रमाणित हो रहा है, मतलब क्षेत्र की जनता के इसके काफ़ी लाभ हो रहा है। उसके बाहर कई लोग भी जैसा जो हांदावाड़ा जो वाटरफॉल्स उसको देखने के लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में जा रहा है। पल्ली बारसू रोड अभी प्रारंभ हो गई तो उससे क्षेत्र की जनता को काफ़ी सुविधा मिल रहा है। इस प्रकार हमारा सभी प्रयास जनता को केंद्रित करके हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो जिन्होंने सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिफिकेशन से वंचित रह गए, उनका सुविधा देने के लिए हमारा फोकस और प्राथमिकता उसी हिसाब से हम कार्य किया, उसका फायदा क्षेत्र की जनता को प्राप्त होगा। नशील दवाई के ऊपर यदि या गांजा के तस्करी के ऊपर यदि हम बात करेगा, जो विगत वर्ष में 7 जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स में हमने चेक पोस्ट प्रारंभ किए गए थे, उन चेक पोस्ट के माध्यम से लगातार जो चेकिंग कार्रवाई करने के कारण से जो इस प्रकार परिवहन में काफ़ी उल्लेखनीय कमी आया है, जिससे वर्ष 2022 में टोटल 6000 से अधिक जो गांजा जब्त किए गए थे उसमें यदि बाजार मूल्य के हिसाब से देखा जाए 3 करोड़ से अधिक उनका लागत है। उनमें से 120 से अधिक जो आरोपियों को भी गिरफ्तार किए गए थे, इसमें इंटरस्टेट कई आरोपी भी है, जैसे राजस्थान हरियाणा जो उत्तर प्रदेश बिहार जो अन्य आसपास राज्य का भी आरोपी उसमें शामिल है। और कुल मिलाकर जो नशा के जो परिवहन है जो उसके उपयोगिता में कमी लेने के लिए एक जागरूकता अभियान के साथ साथ हमारा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और चेकिंग कार्रवाई भी की गई, तो उसका काफ़ी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको देखने मिल रहा है। आने वाले समय में भी इसमें प्राथमिकता से हम कार्रवाई करेंगे।